जूनियर और प्राइमरी की सीरीज में 50 प्रश्नों का जो खंड क है वो सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार की सीरीज आपके लिए लाइव है। इस सीरीज में हम उन 50 प्रश्न में जीएस, जीके, करंट और रीजनिंग के टॉप 50 प्रश्नों की व्याख्यात्मक हल पढ़ेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, इसलिए इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। ये निःशुल्क क्लास आपके देश हित में, राष्ट्र हित में है। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न आने वाले नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आपको एक सीट लेना है, इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा और ये मूल्यांकन करिएगा आपके 50 में कितने सही हुए, मैंने 50 में आपने कितने अंक अर्जित किए। अगर आप परीक्षा हाल में होते आपके कितने सही होते, आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि में से एक होगी, खुद का मूल्यांकन होगा। चलिए पहला प्रश्न है, कौन सा जीवाणु जनित है, कौन सा रोग इसमें जीवाणु जनित है, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो भैया बिना देरी किए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा यक्षमा। यक्षमा को हम क्षय रोग कहते हैं, कौन सा क्षय रोग कहते हैं, इसे हम तपेदिक कहते हैं, तपेदिक, इसे हम तपेदिक कहते हैं, इसे हम टीबी कहते हैं। यह रोग माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु कारण होता है। यह जीवाणु रोगी के थूक तथा बलगम में मौजूद होते हैं, जो हवा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। जैसे खिलाड़ी पांव एथलीट फुट नामक रोग एक विशेष फफूंदी से होता है। खिलाड़ी पांव जो होता है एक विशेष प्रकार की फफूंदी से होता है, जिसे हम ट्राइकोफाइटोन कहते हैं। दांत कवक के कारण, दांत जो होता है ये कवक के कारण होता है, इसे कारण कवक के कारण। अब आपको जवाब देना है इसका, प्रश्न नंबर 2 का। जी हाँ, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। कह रहा है भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है। जवाब जरूर दीजिएगा। ये क्लास 9:30 बजे आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण क्लास होती है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथियों। देखिए भारत में प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, इसका कारण है रोटा वायरस। कौन सा वायरस? रोटा वायरस। विषाणु जीवाणु में परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग होता है। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारण नोरो वायरस है, जबकि बच्चों में रोटा वायरस इसका प्रमुख कारण है। ठीक है, बच्चों में किसका है? रोटा वायरस। ठीक, अगर बड़ों की बात किया जाए तब बड़ों की तब क्या है? नोरो वायरस। वयस्कों में क्या है? नोरो वायरस, और ये बच्चों में है। ठीक है, रोटा वायरस। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, देश हित में, राष्ट्र हित में, क्योंकि यह सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, ये सिट में इतिहास, भूगोल, संविधान, उसके साथ साथ सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, सभी का समावेशन है। तो जवाब जरूर दीजिएगा, यह होगा उसी दर पर जिस पर हृदय गति करता है, और धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। नाड़ी उसी दर पर स्पंदन करती है जिस पर हृदय या दिल धड़कता है। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या। नहीं है ना? प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी जो विश्व की संकल्पना आधारित है, जवाब जरूर दीजिए। कैसे? डॉप्लर प्रभाव, स्टार्क प्रभाव, या जीमान प्रभाव, रमन प्रभाव, क्या होगा जवाब? क्या है आपका बताइए जल्दी कमेंट करके। हाँ, अब की बार एक सीट हमार। देखिए अगर हम प्रसारी विश्व की संकल्पना देखें तो यह है डॉप्लर प्रभाव। क्या होगा? डॉप्लर प्रभाव। प्रसारी विश्व संकल्पना डॉप्लर पर आधारित है। इसको एडविन हब्बल ने डॉप्लर प्रभाव के द्वारा यह ज्ञात किया कि विश्व का विस्तार प्रसार हो रहा है। जब किसी ध्वनि का स्रोत या श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? डॉप्लर प्रभाव कहते हैं।
क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? जवाब जरूर दीजिएगा, बताइए जल्दी से। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, द्रवित सोडियम क्या होगा? द्रवित सोडियम। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कहां पर हुआ था? कल्पक्कम। कल्पक्कम कहां पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है, ठीक है। इस केंद्र का अगर हम देखें कि इस जो केंद्र है, इस केंद्र का प्रमुख का फास्ट वीडर रिएक्टर में अनुसंधान एवं विकास करना, इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शीतलन के लिए द्रवित सोडियम, ध्यान दीजिएगा, और ईंधन के रूप में किसका, ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? प्लूटोनियम का, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न आपके सिलेबस में है, यह हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। अगर वीडियो क्वालिटी आपको बेहतर न दिख रही है तो वीडियो क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा। अगला है, इसमें क्या करना है? मिलान करना है, सभी को मिलान करना है। इसमें क्या रहा है, कौन सही नहीं है? तीन सही एक सही नहीं है। कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार, आयोडीन 131 थायराइड अवरोध का उपचार सही है, फास्फोरस 32 श्वेत रक्त का उत्पाद, लेकिन गोल्ड 198 जो है यह रेटिना दोष का उपयोग नहीं है, यह किसका है? यह सोने का रेडिएक्टिव आइसोटोप है, इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है। किसका? कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर डी जो गलत है वही आपका सही होगा, माने डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक। आगे चलते हैं, वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, समतल। समतल तो होता नहीं, क्योंकि दाढ़ी बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। अवतल, अवतल में, जी हाँ, हम आपके प्रश्न का सभी जवाब क्लास के अंत में देंगे, बस अभी आप पूरे मनियों के साथ पढ़ने पर ध्यान दीजिए, पढ़ने पर फोकस करिए। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों ने सही दिया है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच बहुत उसे छोटा सीधा आभासी बनता है। इसका उपयोग गाड़ी के पीछे के दृश्य को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस विकल्प का उत्तर बी होगा। ये वे प्रश्न है जो परीक्षा में हुबहू आएंगे, इसलिए जो लोग इस वीडियो को देखेंगे यकीन मानिए परीक्षा हाल से बाहर निकलेंगे तो एक बार जरूर कहेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश इज बेस्ट। जीएस के मामले में जो मैं स्वयं पढ़ाता हूं, निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? तीन सही है और एक सही नहीं है, और आपको यही बताना है कि कौन सा सही नहीं है, बताइए बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी साथी, चाहे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं शेयर जरूर करिए, शेयर जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 8, मृत्तृष्णा एक प्राकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्णांतरण से उत्पन्न होता है, सही बात। अगला, सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, सही बात। गर्मी में सामान्यतः सफेद हल्के रंग के कपड़े गाढ़े रंग के कपड़े की तुलना में विश्वसनीय माने जाते हैं, सही बात। यह गलत, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों को कान नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, यह गलत है। इसका मतलब इस सारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। क्लियर? कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप ये क्लास के लिए हम लाइव आ गए हैं, थैंक यू आपका। कम से कम आप लोग को याद है कि तबीयत सही नहीं है, लेकिन मेरी तबीयत से ज़्यादा आपका करियर और आपके माँ बाप और आपका सपना है, इसलिए तबीयत सही हो सकती है, लेकिन अगर आपका समय चला गया तो परीक्षा आज से चंद दिनों के बाद है, तो इसलिए तबीयत सही हो सकती है, लेकिन आपका करियर जाने के बाद शायद ज़िंदगी अगला मौका दे या न दे कहा नहीं जा सकता। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, किस युग में की बीमारियों का कारण विषाणु है? किस युग्म के बीमारियों का कारण विषाणु है? जल्दी से कमेंट करिएगा। यहां पर पोलियो और बर्ड फ्लू है। पोलियो और बर्ड फ्लू ये विषाणु कारण होते हैं, जबकि मलेरिया, प्लाजोडोनियम, प्रोटोजोवा कारण होते हैं। फिर अगर हम तपोदिक, जिसे हम तपोदिक रोग, जिसे हम टीवी कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, ये माइक्रोबैक्टीरियम की वजह से
ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। सभी लोग इस वीडियो को, जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है, ईश्वर करे इस शिक्षक भर्ती में उनका स्थान जरूर फिक्स हो जाए और वो हर हाल में ये परीक्षा क्वालिफाई करें, उनके हर एक गोले सही पे लगे और पूरे मेहनत ईमानदारी से पढ़े। इस प्रश्न का उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। कोयला पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन को जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो एक वायु प्रदूषक है। इसका प्रभाव से श्वास नली में इपिथीलियम में उत्तेजना, सांस लेने में परेशानी, आंख में जलन, सरदर्द ऐसी समस्याएं होती हैं। ठीक, हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये 9:30 बजे क्लास कभी मत छोड़िएगा, सुबह 6:30 बजे करंट की क्लास होती है डेली टॉप 20 सीरीज, लेकिन इसके साथ अगली बार से टॉप 20 में विविध भी आपको मिलने जा रहा है। जी हम, अस्थियों दंत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी। अस्थि एवं दंत निर्माण के लिए बताइए यार, आप लोग जवाब नहीं देते, गलत ऐसे ही देना चाहिए, सभी को देना चाहिए। मत शेयर करिए, मत लाइक करिए, लेकिन ये मानिए परीक्षा हाल में, क्योंकि पता है जो प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं और फिर सही होने के बाद जीवन में वो प्रश्न कभी गलत नहीं होते। हाँ, ये याद रखिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। अस्थि, हड्डी और दांत के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इन दोनों शरीर के लिए दैनिक मात्रा में 1.2 ग्राम होती है। ठीक है, अगला, वह स्तूप स्थल जो बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा सभी साथी ये जवाब। हाँ, मैं आपके जवाब देख रहा हूं, आप लोग जवाब दे रहे हैं, सभी जवाब दीजिए, ये मानिए परीक्षा हाल में बैठे हैं आप, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वह स्तूप स्थल जो बुद्ध के जीवन किसी घटना संबंधित नहीं है, सारनाथ है, कुशीनगर है, बोधगया, सांची नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि सांची स्तूप बुद्ध के जीवन से नहीं है, ये अशोक ने बनवाया था। किसने? सम्राट अशोक ने बनवाया था। यहां पे अशोक के स्तंभ लेख मिले, क्या है, अशोक के स्तंभ लेख मिले यहां पे। स्तंभ लेख यहां से मिले। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? माने एक प्रश्न से चार चार प्रश्न आपके। ये उत्तर प्रदेश बोधगया, बिहार, सांची, एमपी। सोचिए कितने प्रश्न मैंने आपके यहां से तैयार करा दिए। क्लियर हो रहा है ना? ये ऐसे परीक्षा में आएगा हुबहू प्रश्न, जो लगातार प्रश्न पढ़ रहे हैं उनको कुछ प्रश्न हुबहू मिल जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस राजा ने एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? जवाब जरूर दीजिएगा। लुम्बिनी कहां पे है? नेपाल में। लुम्बिनी कहां है? नेपाल में। लुम्बिनी कहां है? नेपाल। एक प्रश्न आपका ये भी तैयार। और बताइए, देखिए अशोक, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है। ये मौर्य सम्राट थे, रुमन दे अभिलेख। कौन सी? ये प्रश्न पूछ सकता है। शेयर किया रुमनदेही, हमने शेयर किया था, रुमनदेही अभिलेख है। ठीक है, इसमें शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म फोन करें ना, तो गाड़ी लेकर अपन तो खुद ही जाना। रुमनदेही। अगला है 14, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? सभी लोग फटाफट कमेंट करें।
पुष्मित सुंग, प्रवर सेन, समुद्रगुप्त, हमने सर के देखिए सही समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त क्या होगा? प्रश्न नंबर 14 ये होगा प्रवर सेन। प्रवर सेन क्या? ये वाकाटक वंश में प्रवर सेन प्रथम एकमात्र शासक था जैसे सम्राट की उपाधि धारण की। पुराणों से पता चलता है प्रवर सेन प्रथम 4 अश्वमेध यज्ञ एक वाजपेय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अगला 15 कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बताइए जो ग्रुप बचाओ वो उसमें शेयर कर दीजिए। बताइए जल्दी से। देखिए एकदम यूनिक यूनिक प्रश्न चुन चुन कर आए हैं। द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ महाबलीपुरम कहां पर लिखना चाहिए लिख लीजिएगा, महाबलीपुरम, इसको मामल्लपुरम भी कहते हैं। पल्लव के शासक नरसिंह, किसके? पल्लव शासक, ठीक है, ने महापल्लव ने या नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इसको लिखना चाहिए लिखिए, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने शैली में रथ एकाश्म मंदिर का निर्माण कराया था। इसमें द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, कौन सा? एकाश्मक मंदिर। ऐसे हम आप लोग को उस क्लास में जरूर पढ़ा देंगे। जब ऑनलाइन क्लास में आप लोग जुड़े ना वहां पे हम सारे टॉपिक को क्लियर करा देंगे। अगला है असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? ये आपके सिलेबस में जल्दी जवाब दीजिएगा। असम में कूच बिहार में वैष्णव धर्म प्रवर्तन किसने किया? सभी लोगों को जवाब जरूर आना चाहिए। शंकर देव ने। किसने? शंकर देव ने। 12वीं शताब्दी असम कूच बिहार के महान वैष्णव धर्म संत थे। इन्होंने असम में प्रचलित तांत्रिक शाक्य मत का विरोध कर वैष्णव धर्म की शुरुआत की। घरी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? बताइए जल्दी जी यार, वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, इतना करिए, यकीन मानिए जिसको शेयर करेंगे ना आपको दुआएं जरूर देगा। क्लास पढ़ानी बहुत बड़ी बात नहीं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ी बात होती है। घरी अथवा गृहकर लगाने वाला पहला अलाउद्दीन खिलजी था। जी हाँ, आपको इस सीरीज में मिल जाएगा जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी वंश, जैसे घोड़ों को दागने की प्रथा, डाक व्यवस्था, नगदी वेतन, बाजार नियंत्रण, ये अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख था। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक, राजधानी परिवर्तन करने वाला शासक, पहली बार मुद्रा का प्रचलन करने वाला, फिरोज शाह तुगलक ज्यादा तालाब खुदवाने वाला, और पहली बार भारत में जैसे आपने देखा होगा जो बेरोजगार होते उनका कार्यालय खुलवाया, बलबन, सिजदा पाबोस प्रथा, नवरोज का त्यौहार, चहलगामी, ये बहुत सारे ऐसे था जो बलबन की राजत्व का सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है, ये अपने आप ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। वैसे इन सभी क्लास को मैं बता दूंगा, मैं एक एक करके पढ़ा दूंगा, लेकिन आप लोग सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। जितने लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर, ठीक। चलिए अगला, यहाँ पे आपको मिलान करना है। यहां पे आप लोग पहले तो बताइए बाबर ने क्या बनवाया था, जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए बाबर ने जामा मस्जिद संभल में, रोहेलखंड स्थित संभल में जामा मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। हुमायूं ने दिल्ली स्थित दीन पनाह, ये कहां पे? दिल्ली के पास
दीनपना नगर का स्थापना किया था 1533 में, कब बताइए? ठीक है, समझ में आया? हुमायूं दीनपना, समझ में आ रहा है ना? अकबर की स्थापत्य कला में अद्भुत विकास हुआ, ठीक है? अकबर के अद्भुत जो उनकी विकास, उसमें जहांगीर महल के साथ साथ, जहांगीरी महल के साथ साथ दीवाने आम, दीवाने खास लिख लीजिएगा, सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्न हैं, पंचमहल, ठीक, जोधाबाई, इन सभी का है। जबकि जहांगीर आगरा से 5 किलोमीटर दूर सिकंदरा नामक स्थान पर अकबर का मकबरा बना है, अकबर काल में इसकी नींव रख दी गई थी, कहां पे? सिकंदरा में। ये सिकंदरा कहां था? ये आगरा के पास था। कहां था? आगरा के पास। मतलब इस प्रश्न का क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमने एक प्रश्न से आपके कितने प्रश्न बना दिए? ठीक है, मैं आगे बढ़ा अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने प्रश्न है, कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक है? जल्दी से कौन है बताइएगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं। हैदराबाद स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? 19, एक सिलेबस के आधार पर है, चिन किलिच खा। बताइए, यहां पे मैंने आपको बताया ना, हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना चीन किलीचिन खां निजाम उल मुल्क अफजान की थी, ठीक है? बड़ा लंबा नाम है। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहां स्थित है? लॉर्ड कार्नवालिस कब्र कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कार्नवालिस कब्र कहां स्थित है बताइए जल्दी से कमेंट करके सभी साथी, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। यार इस प्रश्न का उत्तर होगा गाजीपुर। गाजीपुर कहां है? यूपी में है। मैं जोधपुर जनपद की सिराजन से हूं, ये बगल की जिला है, ठीक, कहां का जिला है? बगल का जिला है। अब हम यहां इसके बारे में थोड़ी बातें आपको एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे, अस्थाई बंदोबस्त के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने अपनी अस्थाई बंदोबस्त बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में करवाया। मैसूर के तिति युद्ध में उसने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को पराजित किया। इसकी कब्र गाजीपुर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अस्थाई बंदोबस्त। जी हाँ, लिख लीजिएगा, लॉर्ड कार्नवालिस। परीक्षा में प्रश्न आएगा, ये मत कहिएगा दुर्गेश सर ने नहीं पढ़ाया था, ठीक है? फिर ये हम नहीं सुनेंगे कि दुर्गेश सर आपने नहीं पढ़ाया था, पढ़ लीजिए, हूबहू प्रश्न आएंगे, आप एक एक स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराएंगे जब परीक्षा पेपर देकर बाहर निकलेंगे। एक अनुभव सबसे बड़ी चीज है। यूट्यूब पर बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, क्या आपको पता है कभी वो टेट सीटेट या कोई परीक्षा पास है? कभी जरा पूछिएगा तो आपको यह स्पष्ट होगा कि वास्तव में क्लास किसकी पढ़नी चाहिए। अगला, सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया? प्रश्न नंबर 21, यह था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल, यह कंपनी को भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। इसने भारत के राज्यों को कंपनी के अधीन लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली उपयोग किया। वेलेजली के से पहले सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया था। किसने किया था? इनसे पहले किसने किया था? डुप्ले ने। यह गवर्नर था, कहां का? फ्रांसीसी था, ये फ्रांस का गवर्नर। इसने इसके पहले इसने प्रयोग किया था, ठीक है? चलिए आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ।
इब्न बबूता भाग किसके शासनकाल में आया? आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया, या थोड़ा साथ देना सीखिए। यकीन मानिए ईश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। अच्छी चीजों को लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप संतुष्ट हैं कि वास्तव में क्लास बेहतर चल रहा है। इब्न बबूता भाग किसके शासनकाल में आया? इब्न बबूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। और सबसे बड़ी बात, यह मोरक्को का शासक निवासी था और यहां का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी बताया और इसने रहला नामक पुस्तक लिखी। रहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुस्तक। रहला पुस्तक किसने लिखा? इब्न बबूता ने लिखा था और इसे क्या बने? काजी बनाया गया था। ये मोरक्को का निवासी था। इसे जेल भी होती है, आगे मैं बाद में बताऊंगा जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताएंगे। इसे जेल भी हो जाती, कैसे होती है वो मैं आपके बताऊंगा। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है, जवाब जरूर दीजिएगा। बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन है, कौन था बताइए, बताइए। देखिए, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? यकीन मानिए परीक्षा के बाहर जब निकलेंगे तो इलानी बी दुर्गेश की याद जरूर आएगी आपको कि काश आपको सारी क्लासेज पढ़ी होती। अगर प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो एकदम इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन। कौन होगा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन कब? 1905। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछता, 1905 किसके लिए प्रसिद्ध? बंगाल विभाजन के लिए है। प्रशासनिक असुविधा का तर्क दिया था, बंगाल बिहार उड़ीसा जो आज बांग्लादेश के हिस्से में आते। कर्जन का बंगाल विभाजन फूट डालो और राज करो की नीति के तहत थी। कैसे? फूट डालो और राज करो नीति पर थी। अगला, ब्रिटिश में कौन अवध का ब्रिटिश रेसिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? कौन था? जवाब जरूर दीजिएगा। ये सब परीक्षा वाले प्रश्न हैं। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में आए हैं और आते हैं। ये प्रश्न पेपर उतना आसान नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? प्रश्न नंबर 24, जेम्स आउट्रम ये लॉर्ड डलहौजी का कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। उस समय अवध का ब्रिटिश रेसिडेंस जेम्स आउट्रम था। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी। डॉक्टर रेलवे बंग बंग 1905 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में भारत का वायसराय कौन था? कर हर हर मैदान फतेह, अब की बार एक सीट हमार। प्रश्न नंबर 25, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन था 1884 से 88 तक। लॉर्ड डफरिन राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना इसी समय हुई थी। आंग्ल वर्मा तीसरा युद्ध भी लड़ा गया था जिसमें वर्मियों को पराजय हुई थी। चलिए 26 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किसने कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया? पूर्ण स्वराज किसने घोषित किया? बताइए जल्दी जी। प्रश्न नंबर 26, लाहौर 1929 में। इसमें भारतीय राज्य कांग्रेस ने जो लाहौर में अधिवेशन 1929 में किया, इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। और फिर कांग्रेस एक नियुक्त एक कार्य समिति ने 1930 जनवरी में भी प्रस्तुत किया। प्रत्येक वर्ष इसीलिए 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही गई। इसके कारण आधुनिक भारत के इतिहास में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। यहीं से पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही गई। चौरी चौरा घटना
के समय महात्मा गांधी कहां थे? बताइए जल्दी से कमेंट करके। चौरी चौरा कहां हुआ था? गोरखपुर में। एक प्रश्न, गोरखपुर कहां पे है? यूपी में है। कब हुआ था? 5 फरवरी। किस साल? 1922। देखिए प्रश्न में प्रश्न बन रहे हैं। बारदोली में थे महात्मा गांधी, कहां पे थे? बारदोली। बारदोली कहां पर है? गुजरात। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने कौन सा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? बापू जी इस घटना से दुखी होकर असहयोग जो उनका आंदोलन चल रहा था उसे स्थगित कर दिया। सोचिए कितने प्रश्न हम आपके सामने बना के ला रहे हैं ताकि आप इस भर्ती में अपना स्थान जरूर फिक्स करें। वीडियो को जितने लोगों ने लाइक और शेयर किया, यकीन मानिए उन लोगों ने जितने बेस्ट कर रहे हैं, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। आप साथ दीजिए, हम आपको परिणाम देंगे। बस साथ दीजिए, कुछ मत करिए, मेरी मेहनत को लोगों तक पहुंचाइए अगर आप इससे संतुष्ट हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित घटनाओं को विचार कीजिए, कालानुक्रम में रखना है तो चलिए मैं सारा कालक्रम बना दे रहा हूं। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये तो आपको डेट पता ही है, स्वाधीनता की मांग की गई थी। गांधी इरविल समझौता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 मार्च 1931, रट लीजिए, ये 1929 में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? यह 29 मार्च 1931। राजगुरु को फांसी 23 मार्च, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह 23 मार्च 1931। अब इसको क्रम से सजाना आपके। हाँ, बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को, इसका उत्तर क्या होगा? अब अपनी सजा लीजिएगा, आपका काम है। मेरा काम जो था मैंने निपटा दिया, अब बाकी आपकी जिम्मेदारी है। आप कितना हद तक इस क्लास को सपोर्ट करते हैं, 9:30 बजे मोबाइल में अलार्म लगा के रखते हैं आप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है, जवाब जरूर दीजिएगा। आपसे हम आपके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए 29 की बात करते हैं। यहां पर यह किसान से जुड़ा था, सही बात। यह तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेबी कल्पानी में मुंशी का सहयोग दिया, सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें इनके गांधी संपूर्ण भारत के अस्तारण की जी नहीं, यह प्रथम आंदोलन जरूर था। यह चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के आने के बाद पहला आंदोलन था, किसानों से जुड़ा था, तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध किया गया था। इसमें महात्मा गांधी के सहयोग के राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया, प्रथम आंदोलन था जो भारत स्तर पर चला। अगर पूछा भारत स्तर पर कौन सा आंदोलन चला, वह था असहयोग। अगर ऐसी क्लास YouTube पर कहीं मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगर इसे व्याख्या में ऐसे प्रश्न की सीरीज अगर कोई लेकर चलाए तब भी, तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? असहयोग आंदोलन। अगला है, किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 30 का जवाब, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी के धार्मिक नेताओं द्वारा प्रारंभ खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की, उन्होंने गांधी जी को राजनीतिक धर्म को न लाने की सलाह दी थी, राजनीति में धर्म न लाने की सलाह दी थी। अगला, क्रांतिकारी काल लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती है? जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 31, बंगवासी, काल, केसरी, ऑल ऑफ दीज, डी का सही जवाब है।
क्रांतिकारी काल में बंगवासी, लाल, केसरी ये लोकप्रिय पत्रिकाएं आंदोलन में समर्थन करती थी। इन पत्रिकाओं ने कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना की थी। कौन सा सही नहीं है? 3-1 नहीं है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की कब? 1828। एक प्रश्न ये और एक प्रश्न, दो प्रश्न तैयार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की कब? 1875। दो प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कब? बताइए 1897 में। 1897। महादेव गोविंद रनाडे, हाँ, इन्होंने थिपकल सोसाइटी का स्थापना नहीं की थी। ठीक, थिपकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? मैडम ब्लाटवस्की। किसने किया था? मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अल्फाट। अल्फाट कब कब किए थे? 1932। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये गलत डी होगा। जो गलत है वही सही होगा। ये परीक्षा वाले प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। जितने लोगों ने लाइक किया ना, भगवान उनकी बुद्धि विवेक बनाए रहे, ऐसे लोग बच्चों के भविष्य को क्या संवारेंगे। जितने लोगों ने लाइक और शेयर किया है और मेहनत से पढ़ रहे हैं, वो अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करेंगे। और लाइक करने वाले ऐसे जिंदगी भर करते रह जाए, बुरे लोग अगर बेसिक शिक्षा में पहुंच जाएंगे और उसको भी बर्बाद कर देंगे, अच्छे लोग अच्छी जगह जाए। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोचिए, इस प्रश्न का उत्तर अभी तक किसी ने सही नहीं दिया। अगर परीक्षा में जवाब देते तो वाट लग जाती। देखिए, आप लोग अच्छे लोग हैं यार, आप लोग अच्छी जगह जाएंगे। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर सभी ने गलत दिया। महात्मा गांधी गलत है, यहां पे संस्थापक अध्यक्ष पूछा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट के बाद, किसके बाद? गांधी जी ने पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब? 1932। पूना पैक्ट 1932 के बाद असिप्ता को समाप्त करने के लिए अखिल भारतीय असिप्ता विरोधी लीग का स्थापना की। इसके बाद हरिजन सेवक संघ स्थापना कर दी। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। ठीक है, देरी बात को ध्यान समझिएगा। महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट 1932 के बाद असिप्ता को समाप्त करने के लिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की। इसके बाद इसका नाम हरिजन सेवक संघ रख दिया। तो हरिजन सेवक संघ का पूरा नाम क्या था, पता किसी को? इसका पूरा नाम क्या था? इसका नाम था अखिल भारतीय। सोचिए, ऐसी गलती अगर आप करेंगे परीक्षा में अखिल भारतीय और कहेंगे कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अस्पृश्यता, जी हाँ, अस्पृश्यता विरोधी लीग, मेरी राइटिंग गड़बड़ है, विरोधी लीग, इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ किया गया। ठीक, कौन था? ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न था और ये परीक्षा में अगर आप जाते कितनी गलतियां करते हैं सोचिए। लेकिन यहां से पढ़ने के बाद आप गलती नहीं करेंगे, इसका उत्तर ए होगा। एकदम याद रखिएगा, संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। इसका पुराना नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था, जिसका नाम आगे चलकर बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके पहले संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला चुने गए। अगला, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका क्या होता है? 34, एजोला एक नील हरित शैवाल। एजोला क्या है? एक जली फर्न है। क्या है? जली
फर्न है। इसकी जड़ों में एनाबीन रहता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। धान की खेती में एलोजला का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। एलोजा एक सहचारी नील हरित शैवाल होता है। अगला, निपेतनीस खासियाना घट पानी नामक दुर्लभ एवं आपाती पौधा कहां पाया जाता है? जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया, जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर ले सकते हैं जानकारी, जहां पर आपकी क्रैश कोर्स उपलब्ध है। मेरी क्लास एज ए गेस्ट के रूप में निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में होती है, जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से, मेघालय। मेघालय इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 35, मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ी में निपेतनीस खसियाना जिसे घटपाणी एक वृक्ष पाया जाता है, एक कीट भच्छी पौधा है, कैसा है? कीट भच्छी पौधा है। सभी के सही थे। अगला, अफीम। अगला है अफीम पोस्ट पौधे। अफीम पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? 36, ये अधपके फल, अधपके फल से अफीम प्राप्त किया जाता है। पोस्ट के, ये पोस्ट क्या होता है? पौधा है। कि अधपके फल से अफीम प्राप्त किया जाता है। पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, रंध्र सहायता श्वसन करती हैं। निम्नलिखित मसालों में कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? बताइए कहां पे पुष्प कलिका होती है? पुष्प कलिका कहां होती है? बताइए। 37, लौंग में। मसालों में लौंग, काली मिर्च, हल्दी, लौंग पुष्प कलिका होती है। हल्दी भूमिगत रूपांतरण होता है। चलिए और आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? नकारात्मक प्रश्न है, तीन है और एक नहीं है, और आपको यही बताना है कौन सा नहीं है। बताइए जल्दी से कमेंट करके। जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार एक सीट हमारा। चलिए 38 में आप लोग देखते हैं क्या होगा। साइटोकालीन, इथिलीन, जिब्रालीन, इंसुलिन नहीं है, इसलिए यही क्या होगा, सही होगा। 38 में इंसुलिन पादप हार्मोन्स नहीं है, ये लैंगर हैस द्वीपिका द्वारा स्राविधिक हार्मोन्स है जो शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। कौन सी खरी की फसल नहीं है? तीन है और एक नहीं है। ये नहीं वाले प्रश्न बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। ये नहीं वाले जो प्रश्न है ना, ये ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा है। बताइए क्या होगा। अरहर है, मक्का है, धान है, चना नहीं है, ये रबी की फसल है। ठीक, रबी गेहूं, चना, सरसों, मटर आते हैं। खरीफ में धान, मक्का, अरहर आते हैं। समाना का सबसे ज्यादा विस्तार क्या है? 40 नंबर। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। जवाब सभी के आने चाहिए, चाहे गलत है सही। अब की बार एक सीट हमार। समाना अफ्रीका में, समाना अफ्रीका में। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो प्रेरी है। एशिया में अगर हम देखें, अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में क्या है? जबकि अगर हम दक्षिण अमेरिका से अर्जेंटीना में देखें तो पंपास कहते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? ए।
अगला, कौन सा देश गैसो हाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? यह है आपका ब्राजील। क्या होगा? ब्राजील होगा। जैसे एक सस्ता वैकल्पिक ईंधन है, गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। किससे? गन्ने के रस से, गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। गन्ने के रस से सामान्यतः अल्कोहल तैयार किया जाता है, उसे पेट्रोल मिलाकर गैसो हाल मिलता है। इससे प्रदूषण नहीं होता और पेट्रोल की 4% तक बचत हो जाती है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न। श्वेत क्रांति दूध, पीत क्रांति नीली क्रांति मत्स्य। बस आसान सा प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। ये क्लास की जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग भी दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे। इसकी क्लास की जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगी और फेसबुक पेज ई लर्निंग भी दुर्गेश, दोनों पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग भी दुर्गेश पर लाइव चलती है। करंट की और विविध की पीडीएफ डेली आपको मिलती है। उसकी क्लास सुबह 6:30 बजे ई लर्निंग भी दुर्गेश पर लाइव रहती है। बाकी क्लास पूरे दिन चलती है, जिसमें भाषा शिक्षण, गणित, विज्ञान, साथ ही साथ SST सभी क्लासेज इलेनी दुर्गेश पर उपलब्ध है क्रैश कोर्स के रूप में। चाहे तो जुड़ सकते हैं। किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? 43। धान। धान भारत की फसल सर्वाधिक किसी क्षेत्र में? चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, जबकि गेहूं दूसरा। ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक। अमन धान उगाया जाता है, अमन धान उगाया जाता है नवंबर दिसंबर में, जाड़े में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि भारत नहीं है? तीन है और एक नहीं है, जवाब जरूर दीजिएगा। तीन है और एक नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन मिलता है, नियंत्रक मंडल का परीक्षक का मिलता है, प्रधानमंत्री वेतन भत्ता नहीं मिलता, क्योंकि लोकसभा का सदस्य राज्यसभा का सदस्य होता है। सर्वसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सी, जो गलत है वही सही होगा। इसलिए याद रखिए, ये सारे यूनिक प्रश्न हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और हम उन्हीं सीरीजों को लेकर आते हैं ताकि आपके परीक्षा में हूबहू यहां से प्रश्न फंसे। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, राज्यसभा द्वारा नहीं, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, जो भारत का राष्ट्रपति होता है। और शपथ किसके सामने ग्रहण करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आप कहेंगे सर, मुख्य न्याय, त्यागपत्र वो उपराष्ट्रपति को देता है, और उसके न रहने पर उपराष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में शुरू होती है, लेकिन मतदान इनके अलावा राज्यसभा के विधानसभाओं और साथ ही साथ दिल्ली पुदुचेरी के केंद्रशासित प्रदेश, और अब तो लद्दाख और कश्मीर भी जुड़ गया है, ठीक है। अगला 47, राज्यसभा से संबंधित कथन में कौन सा एक सही है? राज्यसभा अनुच्छेद किसके अंतर्गत आती है? 80 के अंतर्गत। कौन सा एक सही है? 47, भारत के महानदी राज्यसभा बोलने का अधिकार नहीं है। जी, वो किसी भी सदन में बोल सकता है। दूसरा, राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सदस्य चुनती? जी नहीं, ये उपराष्ट्रपति जो होता है वही इसका सदन का सदस्य होता है। इसके सदन राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचित जी नहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा आते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये एकदम सही है, इसका राइट आंसर है। इसका विघटन नहीं होता, ये अस्थायी होती है, अस्थायी सदन है। कार्यकाल 6 वर्ष का, न्यूनतम आयु 30 वर्ष, अधिकतम अनलिमिटेड, ठीक है। मूल अधिकार संबंधित संविधान में अनुच्छेद कौन से प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? 48। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से मेरे द्वारा निःशुल्क है, और बाकी जगह ले सकते हैं। देखिए 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 24 और 25
24 इसका सही जवाब होगा। 25 क्या है? अंतःकरण के धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रसार करने की स्वतंत्रता है। किसमें? 25 में। ठीक है, समझ में आया? इसका उत्तर क्या होगा? सी। रट लीजिए, मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। चलिए अगला सवाल आपके है, 50 प्रश्नों की सीरीज आज पे खत्म हो जाएगी। कौन सा भारतीय राजतंत्र नहीं है? 3 और 1 नहीं है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी ई लर्निंग दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर लीजिए भैया, हम तो गेस्ट के रूप में निःशुल्क आपको पढ़ाते हैं। फर्स्ट पेपर मेरी होगी और भी क्लासेज हमारी होगी जो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये क्लास प्रति रात 9:30 बजे चलती है। बाकी सभी क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी, जैसे हिंदी, संस्कृत, SST, गणित, विज्ञान, इन सभी क्लासेज आपको मिलती हैं, इनका टाइम टेलीग्राम पर है। इस प्रश्न नंबर 49 का जवाब होगा, एक संविधानगत सरकार है, देश में लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन है, सत्ताधारी सरकार जी नहीं, ये लोकतांत्रिक है। यहां पर सत्ताधारी नहीं, संसदीय प्रणाली, कौन सी है? संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। अगला है, अधिनियम फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए वर्मा भारत से अलग हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, संविधान में जो 395 अनुच्छेद है, इसका 75% ज्यादा हिस्सा हूबहू या थोड़े परिवर्तन के साथ यहां से लिए गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का जवाब आपका सी राइट आंसर होगा। जी हाँ, सिंध ओडिशा दो नवीन प्रांत बनाए गए, उत्तरी पश्चिम प्रांत को गवर्नर अधीन रखा गया, केंद्रीय संघ सरकार के लिए द्वैध शासन व्यवस्था की गई, एक संघीय न्यायालय भारत में स्थापना की गई और बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया। चलिए आज के साथ यह क्लास पूरी खत्म होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग कल फिर से लाइव रहेंगे? जी हाँ, जितने लोग लाइव रहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। यह क्लास फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर लाइव चल रहा था, लेकिन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया उनका थैंक यू, क्योंकि आप मेरा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे, आप साथ दीजिए, हम परिणाम देंगे, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते खेत में नहीं, और आप सभी रेस के घोड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बाय बाय। जपेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। जी हाँ, चलते हैं, कोई सवाल आपका है तो पूछ सकते हैं, वरना अलविदा होते हैं हम आपके साथ। कोई सवाल नहीं है, चलिए थैंक यू। ये सारे परीक्षा वाले सवाल हैं, जैसे परीक्षा में आते हैं ऐसे ही सवाल आपके लिए हम लेकर आते हैं। ठीक, हाँ, एक दो दिन बाद 11 बजे क्लास स्पेशल लगने वाली है, जैसे स्टैटिक GS उत्तर प्रदेश करंट की और विविध की सीरीज रात 11 बजे जल्दी शुरू होने वाली है आप सभी के लिए।